ओबीएस कहानी नंबर 35 एक दयालु पिता की कहानी। एक दिन यीशु तीना बहुत सारे लोगों की शिक्षा देने लग रहा था जो तेसरी शिक्षा सुनने खातर तेती इकट्ठे हुए रहे थे। ये लोग चुंगी लेने वाले और साथी दूजे लोग भी थे जिन्होंने मूसा की व्यवस्था का पालन करने की कोशिश नहीं की थी। तेती कुछ धार्मिक गुरुआ ने देखा कि यीशु इन्ह पापी लोगों साथ एक दोस्ता की तरह गल्ला करो, इस खातर से आप पीछे बोलने लगे कि यीशु गलत करने लगी रहा। यीशु ने स्यो ये गल्ला करते हुए सुनी ले, इस खातर यीशु ने तिना की एक कहानी सुनाई। एक आदमी था जिसरे दो पुत थे। छोटे पुत्र ने अपने पापे के बोलिया, पापा माखी मेरी जायदाद का हिस्सा एबू चाहिए। तेरे पापे ने अपने दोनों पुतों बीच अपनी जायदाद बंट दी। कुछ दिन बाद छोटा पुत अपना सब कुछ इकट्ठा करके दूर देशा बीच चलेगा और तिने पापी जीवन जीने बीच अपना सारा पैसा बर्बाद करता। तेथे बाद जिस देशा बीच छोटा पुत गया था तेस देशा बीच एक खतरनाक अकाल पड़िया और से छोटा पुत कंगाल हुईगा। तेसके खाना खरीदने तक पैसे नहीं रहे। तेती तेसके सिर्फ सूरा के चारने का काम मिलिया। से इतना दुखी और भूखा था कि से सूरा का खाना खाई के अपना पेट भरना चाहो था। आखिरकार जब तेस छोटे पुता के समझ आई तो से आप ही बोलने लग गया, हूँ इतनी क्या करने लगी रहा, मेरे पास फिर करे कितने मजदूर काम करो है और तिना के पेट भर खाना मिलो आ, पर हूँ इतनी भूखा मरने लगी रहा। इबे मैं अपने पापे के वापस जाना और तेसके विनती करनी कि माखे एक मजदूरा की तरह आपके साथ रखी ले। तेब से छोटा पुत अपने घर आखे वापस चल पड़ा। सेबू घर आते दूर ही था कि तेसरे पापे ने से देखा और तेस पर दया की। से दौड़ी के अपने पुता के गया और गले लगाए कि तेसके प्यार किया। तेस पुता ने बोलिया, पापा मैं परमात्मा के खिलाफ और तेरे खिलाफ पाप करी रखा, हूँ तेरा पुत बोलने के लायक भी नहीं है। पर पापे ने अपने एक सेवादार के बोलिया, जल्दी जाई के एक नवे टालर जोड़ा लियाओ और मेरे पुता के पहनाओ, इसरी गुठिया बिच अंगूठी और इसरे पैरा बिच जूते पहनाओ और इस खाने खातर एक सभी तो बढ़िया वाला पालिया का जानवर बाढ़ो ताकि अस तेजी खाई के जश्न मनाई सकूं, क्योंकि मेरा पुत मरीगा था पर यह बे जिंदा है, मेरा पुत खोईगा था पर यह भी ये माखे मिलेगा दा है। इस खातर लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बड़ा पुत डोरुआ बिच काम करके करे आया। तीन करे आए कि नाचने गाने की आवाज सुनी और चौंकीगा कि ये तीये क्या होने लगी ना। जब बड़े पुता के पता लग गया कि ये मेरे भाई रे वापस आने की खुशी बीच जश्न मनाने लगी रे तो उसे बहुत गुस्सा हुआ और करारे आंदरे नहीं आया। तेसरे पापे ने बारे आए कि तेसके बोलिया कि तू भी जश्न मनाने खातर आस साथ आंदरे चल, पर से मुकरीगा कि मैं नहीं जाना। तेस बड़े पुता ने अपने पापे के बोलिया, पापा मैं इतने साल तक तेरे खातर ईमानदारी साथ काम किया और कदी भी तेरी गल नहीं टाली, पर तैं माखे कदी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिता कि हूँ जाई के अपने दोस्तों साथ जश्न मनाई सकूँ। तेरे छोटे पुता ने तेरा सारा पैसा पाप वाले काम करने बीच बर्बाद करता और ए बे जे भी ये करे वापस आएगा तो तैं इसरा जश्न मनाने खातर सभी तो बढ़िया वाला पालिया था जानवर मारता। पापे ने जवाब दिता, ए मेरे पुत तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है से सब कुछ तेरा है, पर आशा खातर जश्न मनाना ठीक है क्योंकि तेरा छोटा भाई मरीगा था पर ए भी ये जिंदा है, ये खोईगा था पर ए भी आशा के मिलीगा दा है।